मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिप्थीरिया लक्षण, कारण और इलाज के बारे में एक गहन विश्लेषण। डिप्थीरिया एक गंभीर और संक्रामक बैक्टीरियल रोग है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो एक शक्तिशाली विष टॉक्सिन पैदा करता है। इस विष का असर श्वसन तंत्र, हृदय, तंत्रिका तंत्र और कभी कभी त्वचा पर भी होता है। डिप्थीरिया अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह घातक हो सकता है। डिप्थीरिया के कारणों की चर्चा करें तो यह जो बैक्टीरिया है, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण बनता है। सामान्यतः श्वसन तंत्र पर हमला करता है। यह एक विशेष विष टॉक्सिन बनाता है जो गले और नाक में झिल्ली का निर्माण करता है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है। यह विष हृदय और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल की समस्याएं और लकवा हो सकता है। डिप्थीरिया के फैलाव की बात करें तो यह मुख्य रूप से हवा के माध्यम से फैलता है, जैसे खांसने या छींकने से। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह आसानी से फैल सकता है। बैक्टीरिया संक्रमित वस्तुओं को छूने से भी यह रोग फैल सकता है, जैसे कपड़े, खिलौने इत्यादि। डिप्थीरिया के प्रकारों की बात करें तो श्वसन डिप्थीरिया यह गले, नाक और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। गले में सफेद या ग्रे रंग की झिल्ली बनती है जो श्वास को अवरुद्ध कर सकती है। त्वचीय डिप्थीरिया यह त्वचा को प्रभावित करता है, जिससे अल्सर या घाव बन सकते हैं। यह संक्रमित घावों के संपर्क में आने से फैलता है। डिप्थीरिया के लक्षणों की बात करें तो संक्रमण के 2 से 5 दिनों के भीतर प्रकट होते हैं। लक्षणों की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है। श्वसन डिप्थीरिया के लक्षणों में गले में खराश का होना, बुखार हल्के से मध्यम होना, गले में मोटी सफेद या भूरे रंग की झिल्ली जो श्वास नली को बंद कर सकती है, श्वास लेने में कठिनाई, तेज या धीमी श्वास, निगलने में कठिनाई, कमजोरी और थकान, गर्दन की सूजन, बुल नेक भी कहा जाता है। त्वचीय डिप्थीरिया के लक्षणों की बात करें तो त्वचा पर घाव या अल्सर, संक्रमित स्थानों में दर्द और सूजन, घाव धीरे धीरे ठीक होते हैं। डिप्थीरिया में बहुत सारी जटिलताएं देखने को मिलती हैं। अगर समय पर इलाज न हो तो डिप्थीरिया निम्नलिखित जटिलताओं का कारण बन सकता है। हृदय संबंधी समस्याएं, वे हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दिल की धड़कन की अनियमितता या दिल की विफलता हो सकती है। तंत्रिका तंत्र की समस्याएं हो सकती हैं। डिप्थीरिया का विष नसों को प्रभावित कर सकता है, जिससे लकवा, पैरालिसिस या श्वास की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। गले और श्वास नली में रुकावट, श्वसन मार्ग में झिल्ली के बनने से सांस रुक सकती है, जो जानलेवा हो सकता है। मृत्यु अगर इलाज न किया जाए तो
तो डिफ्थीरिया मृत्यु का कारण बन सकता है। टीकाकरण के अभाव में मृत्यु दर 5-10% हो सकती है। डिफ्थीरिया का निदान की बात करें तो लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है। गले से झिल्ली का नमूना लेकर उसे प्रयोगशाला में जांचा जाता है ताकि बैक्टीरिया की पहचान की जा सके। उपचार में डिफ्थीरिया का उपचार तुरंत शुरू करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जानलेवा हो सकता है। उपचार में निम्नलिखित शामिल होते हैं, एंटीटॉक्सिन, यह दवा शरीर में टॉक्सिन को बेअसर करने के लिए दी जाती है, गंभीर मामलों में इसका उपयोग जल्दी करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन या इरीथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए दी जाती है, यह संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद करता है। रोगी को अलग रखना आइसोलेशन में, संक्रमित व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग रखा जाता है ताकि रोग और न फैले। श्वास प्रबंधन की बात करें तो झिल्ली श्वास नली को अवरुद्ध कर रही है तो रोगी को इमरजेंसी श्वास प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। डिफ्थीरिया के बचाव के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है। DPT वैक्सीन डिफ्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस बच्चों को नियमित रूप से दी जाती है। इसके अलावा वयस्कों को हर 10 साल में बूस्टर डोज देने की सलाह दी जाती है। यह टीका व्यक्ति को डिफ्थीरिया के विष से बचाता है और बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियानों के कारण दुनिया के कई हिस्सों में इस रोग का प्रकोप कम हो गया है। भारत में डिफ्थीरिया का प्रयोग मुख्य रूप से संक्रामक रोग के रूप में फैलता जा रहा है जो राजस्थान के डीग में सबसे अधिक फैला है। सितंबर और अक्टूबर 2024 में इस बीमारी से 6-8 बच्चों की मृत्यु तक हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।